नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 10 vs Tecno Spark Go 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 10 में 6.74 इंच जबकि Go 2022 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 10 से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 10 में 3.06 इंच जबकि Go 2022 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 10 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Hot 10 में 0.35 इंच जबकि Go 2022 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 10 में 204 ग्राम्स जबकि Go 2022 में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। Any ideas? डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 10 में 6.78 इंचेस जबकि Go 2022 में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 10 में 720x1640 और Go 2022 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 10 में 82.34% जबकि Go 2022 में 82.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 10 में 264 पिक्सल प्रति इंच जबकि Go 2022 में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Go 2022 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Hot 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Go 2022 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। बात करें RAM की तो Hot 10 में 4 GB जबकि Go 2022 में 2 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 10 में 64 GB जबकि Go 2022 में 32 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Hot 10 में Android V10 Q जबकि Go 2022 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Hot 10 में 5200 mAh जबकि Go 2022 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 10 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Go 2022 की तो वो 2 GB RAM 32 GB स्टोरेज के साथ 7,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Infinix Hot 10 में 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Tecno Spark Go 2022 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Hot 10 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें
सैमसंग गैलेक्सी A12 है, दूसरा शाओमी पोको M2 Pro है, तीसरा शाओमी रेडमी 9 प्राइम है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।